मॉडल साउंडर्स मौफकीर, जिन्होंने हाल ही में टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगाया है, अब इस पर करणवीर ने भी करारा जवाब दिया है। अब इन दोनों के बीच शब्दों की लड़ाई शुरू हो गई है। खतरों के खिलाड़ी 13 की प्रतियोगी साउंडर्स मौफकीर ने हाल ही में एक अवार्ड शो में करण द्वारा उन्हें ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगाया था। इस अवार्ड शो में साउंडर्स मौफकीर ने अवार्ड लेते वक्त हिंदी में बात की थी। इसी दौरान अवार्ड शो के होस्ट ने साउंडर्स से कहा कि उन्हें हिंदी बोलने पर भी एक अवार्ड दिया जाना चाहिए। होस्ट ने करणवीर से भी यह पूछा कि साउंडर्स को हिंदी बोलने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। बोहरा ने फिर जवाब देते हुए कहा कि तुम ही यह अवार्ड लो। इससे साउंडर्स नाराज हो गई और उन्होंने कहा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो। इस अवार्ड शो के बाद साउंडर्स मौफकीर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से करणवीर पर ऑब्जेक्टिफाई करने का आरोप लगाते हुए अपनी स्टोरी में एक नोट लिखा। साउंडर्स ने लिखा कि यह इस इंडस्ट्री के अंदर और बाहर पूरी दुनिया में कई महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली एक सामान्य चीज है, तो मुझे बस इतना कहने दीजिए, मैं कोई अवार्ड नहीं हूँ, मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ जिसे आप घर ले जाने का मजाक बना सकें। जिस तरह से पुरुष किसी महिला की उपलब्धियों और उनके गौरवपूर्ण क्षणों को लैंगिक स्त्रीत्ववेशी टिप्पणियां करके अपमानित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उससे मुझे घृणा होती है और मुझे आश्चर्य होता है कि यह कब रुकेगा। साउंडर्स की इसी पोस्ट पर अब करणवीर ने भी जवाब दिया है। करणवीर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी स्टोरी में एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि यह व्यंग था कि मंच पर उसके साथ फ्लर्ट ना करें। फिर उन्होंने कहा, अरे मैं इसको घर ले जाऊं। तो ये था उनका कमेंट। इसलिए अगर उन्हें बुरा लगा तो उन्हें उनके बयान पर बुरा लगना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला। जब ऐसा कुछ होगा तो मैं सचमुच माफ़ी मांगूंगा। स्वाभाविक रूप से अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूं और माफ़ी मांग कर मामले को रफा दफा करूं। लेकिन इस मामले में मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मैं इस मामले में माफ़ी मांगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। होस्ट ने आप पर आपत्ति जताई तो आपने इसे गलत समझा। और हाँ, आपकी हिंदी उतनी स्पष्ट नहीं है और आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझते, इसीलिए आपको हिंदी सीखने की जरूरत है। इसलिए यदि आप इसे एक और पोस्ट या कहानी बनाना चाहते हैं तो कृपया इसे पोस्ट के लिए बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। और मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।